नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार पर गुरुवार को चंडीगढ़ में स्थित राजभवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी 10 मंत्रियों को शुभकामनाएं दी तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही एक कैबिनेट की मीटिंग बुला ली जाएगी ताकि जितने भी लंबित कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी मंत्री जल्द ही अपने कार्यालय ग्रहण करेंगे और चार्ज लेंगे। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सभी मंत्रियों को नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल में प्रदेश के प्रत्येक कोने को छूने तथा हर वर्ग के हिस्सेदारी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार प्रदेश के विकास और हित के लिए मजबूती के साथ काम करेगी। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक कोने को छूने का काम सरकार ने किया, हर वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम किया, मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल प्रदेश के विकास, प्रदेश के हित के लिए मजबूती के साथ हरियाणा सरकार काम करेगी और प्रदेश को एक प्रगति के पथ पर ले जाकर, तरक्की के पथ पर ले जाकर उभारने का भी काम करें। जिस तरीके से आज युवाओं को हिस्सा मिला है, मैं मानता हूँ अनूप जी हो, संदीप जी हो, खेल, हर प्रकार से हर फील्ड के व्यक्ति को जगह मिली है। हरियाणा का चौमुखी की विकास हम सब मिलकर करने का काम। मंत्रिमंडल के 10 साथियों ने आज शपथ ग्रहण उनका हुआ है और अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा उनके विभागों का और संभवतः कुछ लोग कल और कुछ सोमवार को अपने ऑफिस को ग्रहण करेंगे, अपने चार्ज संभालेंगे। विधिवत सरकार का जो काम है वो अपना काम करना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक के 1st हाफ में ही एक कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली जाएगी ताकि कोई भी जो पेंडिंग काम है उन सब कामों को पहली मीटिंग में हम करके वो सारी बातें हम पहले बता चुके हैं। अब चूँकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, इन सब बातों पर सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की जो पहली मीटिंग होगी उसमें चर्चा करेंगे और आपको सब बताएंगे। सामान्यतः जो चीज़ हमारी पिछले सरकार की बची है या जो कंटिन्यूएशन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना और जैसा मैंने पहले कहा हमारी प्राथमिकता के विषय हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, इन सब बातों पर विचार करेंगे। हमारे दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के लिए हमने एक क्रियान्वयन समिति बनाई है और वो अपनी पहली मीटिंग करने वाली है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी अपनी एक रिपोर्ट बना करके देंगे ताकि उसको भी प्राथमिकता पर हम लागू करवा सकें। जो हुआ है सब मंडी से हुआ है, हमने रोज सुधार नहीं छोड़े हैं। अगला एक्सपेंशन जब भी होगा, जब भी हम तय करेंगे उस नाते से अगले एक्सपेंशन की भी गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, इसलिए एक एक्सपेंशन जब भी होगा उस समय आप जो हम लोगों ने मिल करके सहमति से जो निर्णय किया और हमारी केंद्रीय जो हाईकमांड है उनकी सहमति से और जो चीज़ फाइनल है वो आपके सामने गई। मंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रदेश के प्रत्येक कोने को छूने का काम सरकार ने किया, हर वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम किया, मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल प्रदेश के विकास, प्रदेश के हित के लिए मजबूती के साथ हरियाणा सरकार काम करेगी और प्रदेश को एक प्रगति के पथ पर ले जाकर, तरक्की के पथ पर ले जाकर उभारने का भी काम करेगी। जिस तरीके से आज युवाओं को हिस्सा मिला है, मैं मानता हूँ अनूप जी हो, संदीप जी हो, खेल, हर प्रकार से हर फील्ड के व्यक्ति को जगह मिली है। हरियाणा का चौमुखी की विकास हम सब मिलकर कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के 10 साथियों ने आज शपथ ग्रहण उनका हुआ है और अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा उनके विभागों का और संभवतः कुछ लोग कल और कुछ सोमवार को अपने ऑफिस को ग्रहण करेंगे, अपने चार्ज संभालेंगे। विधिवत
सरकार का जो काम है वो अपना काम करना शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में ही एक कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली जाएगी ताकि कोई भी जो पेंडिंग काम है उन सब कामों को पहली मीटिंग में हम लोग निपटा सकें। क्योंकि वो सारी बातें हम पहले बता चुके हैं, अब चूंकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया है इन सब बातों पर सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल की जो पहली मीटिंग होगी उसमें हम चर्चा करेंगे और आपको सब बताएंगे। सामान्यतया जो चीज़ हमारी पिछले सरकार की बची है या जो कंटिन्यूएशन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना, और जैसा मैंने पहले कहा हमारे प्राथमिकता के विषय हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। हमारे दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के लिए हमने एक क्रियान्वयन समिति बनाई है और वो अपनी पहली मीटिंग करने वाली है। उनको हमने कहा है कि बहुत जल्दी अपनी एक रिपोर्ट बना करके देंगे ताकि उसको भी प्राथमिकता पर हम लागू करवा सके। जो हुआ है सहमति से हुआ है, हमने दो स्थान अभी छोड़े हैं, अगला एक्सपेंशन जब भी होगा जब भी हम तय करेंगे उस नाते से अगले एक्सपेंशन की भी गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, इसलिए एक एक्सपेंशन जब भी होगा उस समय आप ये जो हम लोगों ने मिल करके सहमति से जो निर्णय किया और हमारी केंद्रीय जो हाईकमांड है उनकी सहमति से और जो चीज़ फाइनल है वो आपके सामने।